स्वागत है आप सबका आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर के मैच नंबर 18 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे वेस्ट इंडीज बनाम नेदरलैंड्स के बीच में, जो खेला जाएगा टाके सिंगे स्पोर्ट्स क्लब हरारी के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 12:30 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा। ये दोनों टीम्स ग्रुप ए से क्वालिफाई कर चुकी है सुपर सिक्स के लिए। अब देखो कौन से तीन टीम्स है ग्रुप ए के अंदर, ये लास्ट डे ग्रुप ए का, इसके बाद ये टीम खेलेगी सीधा सुपर सिक्स ग्रुप स्टेजेस का लास्ट डे ग्रुप ए के लिए। तब देखो जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गई है, क्या खेली थी भाई साहब पिछले मैच की तरह की वेस्ट इंडीज। नेदरलैंड क्वालिफाई, वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाई कर चुकी है। नेपाल और यूएसए का सफर यहीं पे खत्म होता है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। अब देखें सुपर सिक्स किस तरह से यहाँ पे तय करे जा रहे हैं। ग्रुप ए के अंदर 5 टीम है, ग्रुप बी के अंदर 5 टीम है, और हर एक ग्रुप में से जो 3 बेस्ट टीम्स है उनको मौका मिलता है सुपर सिक्स खेलने का। ग्रुप ए से 3 टीम आएगी, ग्रुप बी से 3 टीम आएगी। इससे क्या होता है, जो टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रही उनको पहले छाड़ दिया जाता है कि आप आराम करो, आपकी बस की बात नहीं है करके। तो लेट्स सी, मैं एक्साइटेड हूँ ग्रुप बी के अंदर कौन से टीम्स आती है यार। ग्रुप बी के अंदर आयरलैंड जिस तरह से खेली है भाई सब, पहले 2 मैचेस में निराश किया है, तो देखते हैं किस तरह से खेलती है, किस तरह की ब्रांड खेलती है यहाँ पर। अब देखो 29 जून से लेके 9 जुलाई तक यहाँ पे सुपर सिक्स के मैचेस होंगे, प्ले ऑफ के मैचेस होंगे और फाइनल होगा यहाँ पे 9 जुलाई को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका क्या फायदा है, यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है तो मैं यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे पाता। 12 बजे टॉस होता है, 12:30 बजे मैच स्टार्ट होता है, तो 12 से 12:30 बजे का जो टाइम होता है ना बहुत क्रुशियल होता है एक फंटेस यूजर के लिए, डेडलाइन से आधा घंटा पहले। तो उसमें टॉस अपन देखते हैं, उसमें पिच रिपोर्ट अपन देखते हैं, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, कितने बॉलर्स नहीं खेल रहे, क्या इंजरी कंसर्न्स है, ये सारी जानकारी मैं पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे। ये टाइम मेरे को दे आप, मैं आपको क्वालिटी लाने की कोशिश करूंगा, ये नहीं कहूँगा क्वालिटी दे दूंगा, मैं कोशिश करूंगा क्वालिटी देने की आपको, अगर आप मेरे को आधा घंटा देते हो टेलीग्राम के ऊपर आके, ठीक है, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ क्वालिटी देने की। अब देखो टाका सिंगे स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर मैच है, इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच हुआ था 24 जून को, मतलब कल के दिन, नेदरलैंड्स और नेपाल का मैच था। इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू और अच्छे खासे यहाँ पे रन्स बनते हैं, पर कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पे रन्स ही नहीं बने इस सीजन के अंदर, तो इस क्वालिफाइड्स में भाई साहब टीम कैसी रही खेली है। आप देखो यहाँ पर टीम्स ग्रुप बी के, यहाँ पे आई मीन ग्रुप ए के मैचेस होते हैं उसमें वीक टीम्स खेलती है, नेपाल, फिर आपको यहाँ पे यूएसए जैसे टीम दिखती है, ये देखो आप यहाँ पे कहाँ गई, ये देखो इसके अंदर आपको यूएसए वगैरह दिखते हैं, तो इन्होंने बहुत ख़राब खेला है, इनके मैचेस ज़्यादातर यहीं पे हुए हैं, इनको हरारे के ऊपर भेजा ही नहीं। जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब है वो बहुत बड़ा मैदान है, मतलब उस स्टेडियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इन टीम्स को भेजा ही नहीं ज़्यादातर। तब देखो इस वेन्यू के ऊपर नेदरलैंड्स ने 2 मैच खेला और दोनों जीता है, वेस्ट इंडीज़ 1 मैच खेली, 1-1 मैच जीती है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि ये दोनों टीम्स का इस वेन्यू पर 100% रिकॉर्ड रहा है अभी तक, इस मैच में रिकॉर्ड टूटेगा। जो लास्ट मैच था नेदरलैंड्स नेपाल का, उस मैच में क्या हुआ था, नेपाल पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाती है, 167 रन बना देती है, ऑल आउट हो जाती है, फिर यहाँ पे नेदरलैंड चेस करती है, 28 ओवर के अंदर टारगेट चेस हो जाता है, मैक्स ओडोवर के 90 रन की खूबसूरत पारी आती है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्पेल था लॉवन बिक का 4 विकेट का, 211 बना 8 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 44 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है, 207 बना टारगेट चेस हो गया 43 ओवर के अंदर। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट को एडवांटेज नहीं मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा, कारण क्या है, सुबह के 9 बजे मैचेस होते हैं, कहाँ पे, जिम्बाब्वे के अंदर जहाँ पे मैच हो रहा है, वहाँ पे सर्दी का मौसम है, सर्दी की वजह से यहाँ पे बॉल स्विंग होती है, ठंडी हवा चलती है, कोल्ड कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, इस वजह से आप देखते हो स्विंग होती है बॉल, पहले 15 ओवर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है हरकत करते हुए, और स्टार्टिंग के 15 ओवर के अंदर यहाँ पे रन रेट 3 से 4 के बीच में होता है, 15 ओवर से लेकर 50 ओवर के बीच में रन रेट 7 का हो जाता है प्रति ओवर, समझो आप इस चीज़ को। बैटिंग फर्स्ट 3 मैचेस चेस करते हुए 3 मैचेस जीते गए हैं, और मोस्टली आपको पता ही है वेस्ट इंडीज फेवरेट्स हैं, तो वेस्ट इंडीज चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे जीतना चाहेगी इस गेम के अंदर। अब देखें दोनों टीम्स ने आपस के अंदर क्या किया वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये देखो आप जो लास्ट मैच था नेदरलैंड नेपाल का इस वन के ऊपर, उस मैच में 9 विकेट पेसर का था, 4 विकेट स्पिनर्स का था। अब यहाँ पर विकेट कॉलम को समझते हैं, लास्ट 6 मैचेस के अंदर आप देखो पेसर्स ने यहाँ पे 59 विकेट निकाला है, पहली पारी के अंदर 38 और दूसरी पारी के अंदर 21 है। वही कहानी है, पहली बारी में पेसर्स आते हैं भाई डोमिनेट करते हैं, फास्ट बॉलर्स बॉलिंग फर्स्ट एट दिस वेन्यू आर द किंग। अब देखो राइट आर्म पेसर 48, लेफ्ट आर्म पेसर 11 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 31 विकेट निकाला है, पहली बारी में 15, दूसरी बारी के अंदर 16, ऑफ स्पिनर्स का 13, लेग स्पिनर्स का 8, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 10 विकेट है। तो इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने डोमिनेट किया है, और सुबह सुबह यहाँ पे पिछले दिन जब लास्ट टाइम यहाँ पे मैच हुआ था कोहरा था, सुबह के टाइम पे बारिश भी हुई थी, इस वजह से हल्का सा फॉगी वेदर हो गया था यहाँ पे,
और मैच के टाइम पे क्लियर हो गया। ये देखो आप लास्ट मैच के पिच की फोटो, ऐसी पिचेस यहाँ पे दिखती हैं, स्टेडियम का व्यू है, क्लब टाइप स्टेडियम है। दोनों टीम्स की बात करते हैं, हेड टू हेड खेला ही नहीं है, ठीक है भाई साहब, ऐसा थोड़ी है। दोनों टीम्स ने 2022 से 17 के बीच में 5 मैचेस खेले हैं और वेस्ट इंडीज़ 5 के 5 मैच जीती है। ये मतलब बहुत ही आपके लिए शॉकिंग भी रहेगा कि नेदरलैंड्स एक भी मैच नहीं जीते। इनके पास अच्छे प्लेयर्स, ऐसी टीम नहीं है कि नेदरलैंड्स एकदम वीक टीम हो, इनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सब T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं और इंग्लैंड के अंदर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो काउंटी क्रिकेट की होती है सब। वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, काइल एमंड्स ओपन करेंगे किंग के साथ, शमार ब्रुक्स इस मैच में हाई चांसेस वापसी करेंगे, चार्ल्स पिछले दो मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, शाई ऑफ निकोलस पूरन, रोवन पॉवल, रोशन चेज, जैसन होल्डर, कीम पॉल, अखिल हुसैन, अलजारी जोसफ। अब देखें नेदरलैंड्स की बात करते हैं तो मैक्स वुड ओपन करेंगे विक्रमजीत सिंह के साथ, वेस्ली बरीशी, स्कॉटी एडवर्ड्स, बेस जिलडे, तेजा निदामंड्रू, लॉगवन बिग, साइरस अहमद, आर्यन दत्ता, फिर आपको यहाँ पर देखते हैं क्लोटिन फ्लॉयड, रियान क्लेन आपको दिखेंगे। अब देखो ये प्रैक्टिस मैच को स्कोर कार्ड है, आप इसको समझ सकते हो चाहे तो देख के कि क्या हुआ था प्रैक्टिस गेम्स में। काइल एमंड्स की बात करते हैं, 3 मैचेस खेल चुका है, हेड टू हेड के अंदर 2 बार बैटिंग करी है, 142 रन किया था, 120 की जो पारी आई थी ओपन करते हुए आई थी और 22 रन की पारी मिडिल ऑर्डर के अंदर आई थी अगेन दिस टीम, और बॉलिंग से 3 विकेट निकाला है, बहुत बढ़िया फैंटेसी वैल्यू लाएगा इस गेम के अंदर। वेन्यू पर 1 मैच में 2 विकेट 2 रन है, तो देखते हैं किस तरह से खेलेगा ये, और मतलब बढ़िया गेम देखने को मिलेगा। ब्रेंडन किंग का 3 मैच में 159 रन है, बैटिंग फर्स्ट 10, इसके ऊपर 58 नाबाद, 91 नाबाद, हेड टू हेड में 6 नंबर से 250 कर चुका है 3 गेम्स के अंदर। वेन्यू पे 0 पे आउट हुआ था, तो देखते हैं किस तरह से खेलेगा। शमार ब्रुक्स 3 मैचेस के अंदर 167 रन से इस टीम के अगेंस्ट, 101 नाबाद, बैट फर्स्ट 60 और 6 रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, खेलेगा तो पक्का फैंटेसी टीम में मेरी होने वाला है ये ओवर एनी प्लेयर। शाई होप 3 मैचेस में 161 रन से, बैट फर्स्ट 24, से इसके ऊपर 119 नाबाद 18, वेन्यू पर 67 रन आए बैटिंग फर्स्ट करते हुए। निकोलस पूरन 3 मैच में 24 रन, बैट फर्स्ट 7, चेस के ऊपर 7 और 10, वेन्यू पे 43 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, अच्छा क्रिकेटर है और बहुत ही पॉजिटिव ब्रांड खेल रहा है क्रिकेट की, सी द बॉल हिट द फॉर फॉर्मूला है, बॉल खराब आई मैं छक्का मारूंगा, छोटी बॉल डाल दी छक्का मारूंगा, स्लॉट में डाल दी छक्का मारूंगा, बीच में बॉल आई सम्मान करूंगा, 1 रन निकालूंगा, ये निकोलस पूरन का फॉर्मूला है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला। आप क्या करो, जो बॉल खराब है उसको डिपॉजिट करो स्टैंड्स के अंदर, अच्छी बॉल है उसको सम्मान कर दो, ये अच्छी बॉल का सम्मान करता है, इसलिए मेरे को बहुत पॉजिटिव इसका गेम दिख रहा है फिलहाल, बड़ी पारी पेंडिंग है, बहुत शतक तो आ ही चुका है इसका वैसे। रोवन पॉवल चिंता वाली बात है यार, जिस तरह का फॉर्म चल रहा है अभी इनका, वेन्यू पर 1 मैच में 0 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। रोस्टन चेस 1 मैच में 55 रन 1 विकेट है। रोवन पॉवल का ना आई थिंक इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस में फर्स्ट बॉल डक हो चुका है, जिसको अपन गोल्डन डक बोलते हैं। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 55 रन 1 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट करते हो, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है और अच्छी वैल्यू लाता है विद द बैट विद द बॉल, कीम अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम्स। कीमा पॉल 1 मैच में 4 रन 0 विकेट है, अच्छा प्लेयर है, पिछले मैच में 3/4 था इसका। होल्डर का 56 रन 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अखिल हुसैन हेड टू हेड के अंदर 3 मैच में 8 विकेट निकाल चुका है, कैप्टन कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए, अच्छा स्पेल था, 10 ओवर में कुछ 30 रन दिया था, 2 मिडल ओवर थे अगेंस्ट USA इस वेन्यू के ऊपर। अलजारी भाई 3 मैच में 5 विकेट, हेड टू हेड में वेन्यू पर 1 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड, यानी कह रहे का सुनने में आ रहा है लगभग 5-6 दिन के लिए और बाहर हो गए हैं ये। रोमेरो स्टेफर्ड है यहाँ पे, कैची काटी हेड टू हेड खेल चुका है, 3 मैच में 43 रन से एक बार बैटिंग आई थी। जॉनसन चार्ल्स ने इसी वेन्यू के ऊपर 66 किया था अगेंस्ट USA। स्टार्टिंग और होल्डर अलजारी काइल एमंड्स, जर्जर के अंदर होल्डर अलजारी कीमा पॉल, चलते हैं यहाँ पे नेदरलैंड्स क्रिकेटर की तरफ। मैक्स वुड ओवर 3 मैच खेल चुका है, हेड टू हेड के अंदर 179 रन है, तीनों मैच ने अच्छा खेला है, लास्ट मैच में भी 90 करके आ रहा है, 39-51-89। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 116 रन है, 26 चेस के ऊपर 90 चेस के ऊपर है। विक्रमजीत सिंह का 3 मैच में 147 रन से बैट फर्स्ट 47-46, चेस के ऊपर 54 है, अगेन दिस टीम इंटेंट बहुत अच्छा था इस बंदे का। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 3 विकेट 38 रन है, अच्छी वैल्यू ला रहा है हर गेम के अंदर। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वेस्ली बरीशी, 1 मैच में 0 रन हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू पे 2 मैच में 32 रन है, तो ये भाई साहब इस बंदे के स्टैट्स हैं। स्कॉट एडवर्ड्स का 3 मैच में 99 रन है, बैट फर्स्ट 13, 68, चेस के ऊपर 18, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 67 रन है, अच्छा खेल रहा बंदा। लास्ट मैच में अपने आप को बैटिंग नहीं दी थी इसने, कहा कि और भी यंगस्टर्स को मौका देते हैं, तो उसने बैटिंग नहीं करी थी।
बेस्ट डील लड़े, 3 मैच में 3 विकेट 42 रन है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1 बॉल सेकंड 2 मैच में 2 विकेट हैं, वेन्यू कीपर 2 मैच में 4 विकेट 45 रन है, आई मीन 41 रन है, 41 कर दो उसको, और अच्छा खेल रहा बंदा, लास्ट मैच में ड्रीम टीम में बहुत अच्छा इसका योगदान था। तेजा निद मंडरू हेड टू हेड में 3 मैच में 69 रन है, वेन्यू कीपर 2 मैच के अंदर 60 रन है। लॉगवन बिग इज अ सुपर स्टार क्रिकेटर, न्यूजीलैंड से आता है, वेलिंगटन फायरबर्ड्स का ड्रेसिंग रूम शेम करता है, जिसके अंदर आपको डेवन कॉनवे, फिन एलन, नीशम, मैट हेनरी नहीं यार, एडम मिलिन, ये सब सारे प्लेयर्स दिखते हैं आपको वहाँ पे। तो कितना अच्छा इन्वायरमेंट है इसके पास वहाँ पे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उठना बैठना, मतलब आप कुछ ना कुछ सीखते हो संगति में रह के। वेन्यू कीपर 2 मैच में 5 विकेटें हैं, अच्छा प्लेयर है। सैराज अहमद बॉलिंग कम कर रहा है, लड़स्सी क्या करेगा, वेन्यू पे 2 मैच में 0 विकेट है, 2 ओवर का स्पेल आया सिर्फ इस वेन्यू कीपर अभी तक। आर्यन दत्त का 3 मैच में 3 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर वेन्यू कीपर 2 में 2 विकेट है। क्लेटन फ्लूड 2 में 2 विकेट से अच्छा डाल रहा है, पिछले मैच में भी अच्छा स्पेल था। रियान क्लेन का वेन्यू पे 2 में 2 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच में 1 विकेट है, हेड टू हेड में विकेट लेस गया था, तो लेट्स सी क्या करेगा इस गेम के अंदर। विवेन किंगमा का 2 में 1 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर लॉगवान बेक, रियान क्लेन, विक्रमजीत सिंह, डेथ के अंदर लॉगवान एक बेस्ट रेड है, रियान क्लेन पिछले गेम में देखो जो हेड टू हेड हुए थे उसके अंदर ब्रेंडन किंग को आउट किया था लॉगवान बिक ने, 27 बॉल में 24 रन दे के 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। कायले मेट्स वर्सेस साइरस अहमद 2 बॉल 2 रन 1 बार आउट किया, रियान क्लेन ने 15 बॉल में 20 रन दे के 1 बार आउट किया है। शमार ब्रुक्स वर्सेस लॉगवान बिक 32 बॉल 24 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। शाई हूप वर्सेस बैजी लड़े 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 22 बॉल में 29 रन दे के। निकोलस पूरन वर्सेस आर्यन दत्त, ये भाई बहुत तगड़ा मैचअप है, आर्यन दत्त ने निकोलस पूरन को 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 22 बॉल में 15 रन देखे, गजब का मैचअप है ये। फिर आपको देखने को मिलता है मैक्सवेल डोबड वर्सेज अखिल हुसैन, ये बहुत अच्छा मैचअप है, सीरियसली कह रहा हूँ, सीरियसली ऑन द नोट्स, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 62 बॉल में 49 रन देखे अखिल हुसैन ने मैक्सवेल डोबड को। विक्रमजीत सिंह का कोई खास मैचअप नहीं है, मेरे को लग रहा है इसकी अच्छी पारी आ सकती है, मैचअप भी ज़्यादा नहीं बनता, वो होल्डर का स्पेल थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, होल्डर अच्छी बॉलिंग कर रहा है नई गेंद से, पिछले मैच में भी 6 ओवर में 18 रन दिया था नई बॉल से, 5 ओवर में पर 6 ओवर का मेरे को स्पेल याद है उसका। बैजी लडे वर्सेज अखिल हुसैन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 15 बॉल में 4 रन देखे अखिल हुसैन, कैन बी द बिग फैक्टर। ऑफ स्पिन थ्रेड देखते हैं, यहाँ पे टीम्स 2019 से लेके अभी तक ऑफ स्पिन के सामने कैसा खेली है, तो आप देखो नेदरलैंड्स की टीम ऑफ स्पिन के सामने बहुत बुरा फंसती है, 23 इनिंग्स के अंदर 40 विकेट दिया है लगभग, तो रॉस्टन चेस गारंटी नहीं है कितनी ओवर बॉलिंग करते हैं, बहुत ही वो अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है कि कितने ओवर डालेंगे कुछ आता पता नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। पर फिर से मेरे को बात याद आती है कि क्या रोशन चेस की बैटिंग आएगी इस मैच में, मेरे को मुश्किल लग रहा है, उनके पास इतने अच्छे बैटर्स हैं, वो सब पहले रन्स कर जाएंगे। वेस्ट इंडीज 56 इनिंग्स में 73 विकेट दिया ऑफ स्पिन को, अच्छा खेली वैसे ऑफ स्पिन, वो पूरन का स्ट्रगल ऑफ स्पिन के सामने। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेपाल, यूएई, वेस्ट इंडीज 43 इनिंग्स में 59 विकेट दिया, वहीं जो टीम है नेदरलैंड्स उसने 19 मैच में 31 विकेट दिया अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। लेग स्पिन थ्रेट वर्सेस वेस्ट इंडीज 36 इनिंग्स में 52 विकेट दिया है, इस मैच में हाई चांसेस है कि सैराज अहमद बॉलिंग करेगा, मैचअप बनता है और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसमें, रोवन पॉवल, फिर आपको शायोब दिखता है उसमें, आपको दिखता है होल्डर, निकोलस पूरन, सब हिटिंग करते हैं शायोब को छोड़ के, ठीक है, तो आप देखना लेग स्पिन इस मैच में डालना चाहिए, मैं कैप्टन होता उसको मैं 5 ओवर का स्पेल तो पक्का देता था इस मैच में, तो इस मैच में चांसेस है सैराज अहमद के बॉलिंग करने को, विकेट्स भी निकाल सकता है दिन रात। ओमान वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर्स, वेस्ट इंडीज वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर्स, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था रिचर्ड निगरा का स्पेल देखो, 6 ओवर में कुछ 2 मीडियम ओवर था, 25 रन दिए थे भाई ने, बहुत अच्छा स्पेल था भाई इस बंदे का। तो वेस्ट इंडीज वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर 38 इनिंग्स में 85 विकेट दिया, पर वही बात याद आती है कि सामने वाली टीम के पास लेफ्ट आर्म पेसर है, नेदरलैंड्स के पास जी नहीं, नेदरलैंड्स क्या लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसती है जी हाँ, पर क्या वेस्ट इंडीज के पास लेफ्ट आर्म पेसर है जी नहीं, कोई नहीं है यार, दोनों टीम के पास आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर की कमी है यहाँ पे। अब देखते हैं, साइन अप कर लो विजन इलेवन पे, क्या फायदा है, फ्री के अंदर 500 रुपीज़ साइन बोनस मिलता है, एंट्री फीस बहुत कम एज कम्पेयर टू द रेस्ट, खेल के देखो अच्छा लगेगा। कॉमन कैप्टन काइल एमर्स बैजी लड़े, बर्ड लीग में बनाओ जैसन होल्डर, शाई होप, रॉस्टन चेस बिकॉज ऑफ हिज ऑफ स्पिन स्किल, मैक्स ओडोवर्ड 1 मिलियन का मिशन है, देखते हैं कब पूरा होता है भाई, 3 लाख तो पूरे करा दो। 295 पे गाड़ी अटकी हुई है, मोबाइल ऐप है स्टैट्स जो नाम से वेबसाइट है statsjudy.com, दोनों एड्स फ्री है, ऐड बिल्कुल नहीं लग रहे, आप जाइए स्टैट्स यहाँ पे चेक करिए, वीडियो के अंदर टोटल 66 स्लाइड्स है, कैसे लगी मेरे को बताना, बड़ी मेहनत मशक्कत लगती है आपके सामने डेटा लाने में। टीम्स की बात कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लो यार,
टीम्स तो देख ही लेंगे अपन साथ में। फिर से मेरे को वही बात याद आती है, इतना वन साइडेड गेम नहीं होगा अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करेगी तो नेदरलैंड्स के जो बॉलर्स हैं नई गेंद से थोड़ा सा हरकत करते हुए, जो बॉल हरकत होती है यहाँ पे, तो उस वजह से वेस्ट इंडीज हल्का सा स्टार्टिंग ओवर में ट्रबल आ सकती है। पिछले गेम में भी देख लो आप क्या हो रहा है, पिछले मैच से पिछले मैच के पिछले मैच, कहने का मतलब क्या है, लास्ट मैच में तो वेस्ट इंडीज ने चेस किया था, पर उससे पिछले दो मैचेस में उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी थी और नई गेंद से बहुत खराब खेला था। वेस्ट इंडीज़ की टीम नई बॉल से स्ट्रगल करी थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तब और मैच रोमांचक हो सकता है। ये मैं चाहूँगा रोमांचक हो, मेरा काम भाई साहब वही है, दर्शक मजे ले मैचेस के। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर वेस्ट इंडीज़ चेस करती है भाई साहब बहुत वन साइडेड गेम होगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा वन साइडेड गेम, और मैं ये मान के चलूँगा कि जितने बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर, रॉस्टन चेस को भी इंक्लूड करके 6 बॉलर्स हैं इनके पास, वो 6 बॉलर्स मेरी टीम में रहेंगे। और फिर मेरे पास टॉप ऑर्डर के बैठे रहेंगे ब्रेंडन किंग, फिर मेरे पास रहेगा जो वन डाउन खेलेगा, बस मैं वहीं तक के प्लेयर्स पिक करूंगा अगर वेस्ट इंडीज चेस करती, मेरा फॉर्मूला यही रहता है। अब मैं आपसे टीम बना के ज्वाइन करता हूं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कैप्टन किया काइले मेट्स को, रीज़न बड़ा सिंपल है, 5 ओवर बॉलिंग करना, ऊपर से आके ओपनिंग करना, और हेड टू हेड नंबर्स में इसने एक शतक भी जड़ा है 3 मैचेस खेल के, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई साहब। कीमा पॉल, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ इंपॉर्टेंट है, तीनों को लिया है। होल्डर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। रोशन चेस मेरे को एक लग रहा है जो थोड़ा सा अल्टर कर सकता है मैचेस के अंदर, रोस्टन चेस अगेन दिस टीम, क्योंकि जो मैचअप है ना अगेंस्ट नेदरलैंड्स वो अच्छा खासा रहा है, ऑफ स्पिन नेदरलैंड्स की टीम फंसती है, तो इस वजह से मैं चेस को ले रहा हूँ, वरना मैं टीम में नहीं रखता। अभी भी लॉजिक कह रहा है मत रखो करके, बस वो ऑफ स्पिन का थ्रेट है मैं मानता हूँ। लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे चार्ल्स आप रख सकते हो, जिसकी बैटिंग आ गई बाई चांस तो आराम से 30-40 रन कर गया तो 50-60 पॉइंट वहीं पे मिल जाते हैं, रोस्टन चेस के पॉइंट्स कवर कर लेगा वो। तो मैं वही सोच रहा हूँ, मैक्स ओडवर्ड को भी मेरे को ड्रॉप करना पड़ा, मैक्स ओडवर्ड को भी ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मैं लेना चाह रहा था इसको, ब्रेंडन किंग को और विक्रमजीत सिंह को। विक्रमजीत सिंह को ड्रॉप इसलिए नहीं कर रहा, इसने हेड टू हेड में भी अच्छा किया हुआ है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 2-3 और बॉलिंग करता है मैच में आके, इस वजह से मैं इसको ड्रॉप नहीं करना चाह रहा। कीपिंग से स्कॉट एडवर्ड्स फिलहाल मैंने लिया है, और अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बल्लेबाजी करती है, शाही और निकोलस पुरन दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। निकोलस पुरन आर्यन दत्त के सामने 3 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं, इसलिए मैं शाही की तरफ पहले देखूंगा। मैक्स ओडवर्ड बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, अच्छे नंबर्स हैं। रोवन पॉल इंपॉर्टेंट रहेगा बैटिंग फर्स्ट के अंदर, ट्राई कर लेना इसको, बड़ी पारी पेंडिंग है, इस मैच में प्रमोशन मिल सकता है रोवन पॉल को ओवर दिस निकोलस पुरन इस गेम में, मैचअप रहेगा ना आर्यन दत्त के सामने, इस वजह से। ब्रेंडन किंग इंपॉर्टेंट रहेगा, शमा ब्रूस खेलेगा तो मैं पक्का टीम में रखूंगा ही रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चार्ल्स चेस के ऊपर ट्राई कर लेना। होल्डर इंपॉर्टेंट है, बैजलडे इंपॉर्टेंट, चेस मैंने समझाया क्या लॉजिक है। साइरस अहमद, जनता इसकी तरफ नहीं देखेगी पर कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करता ही है, जहां पर बैटर्स मारने को देखते हैं साइरस अहमद को बहुत मजा आता है बॉलिंग करने में। कुछ टीम्स में हर टीम में मत लेना, आर्यन दत्त को ले लो ज़्यादा टीम्स में, आर्यन दत्त को लो ज़्यादा टीम में एज कम्पेयर टू साइरस अहमद, क्योंकि आर्यन दत्त पूरा 10 ओवर का स्पेल डालने वाला है अगेंस्ट निकोलस पुरन, अगेंस्ट काइल एवर्ट्स भी बॉलिंग करेगा पावर प्ले में, आप देखना पावर प्ले में 7-8 ओवर डालने आ सकता है ये, क्या नाम है इसका, आर्यन दत्त, क्या पता स्टार्ट ही कर ले, बट स्टार्ट करना तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। बॉल सेकंड में जरूर स्टार्ट कर सकता है नई गेंद आर्यन दत्त, बॉल फर्स्ट में तो पक्का नहीं करेगा। लॉक ऑन पिक अल्जारी जोसेफ है इंपॉर्टेंट, अकील हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट, कीमो इंपॉर्टेंट है, और क्लेटन फ्लैट को ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। रियान ग्लेन बॉलिंग फर्स्ट, तो देखते रहे। स्टार्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, क्वालिटी मेरी समझी आपने, तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बस इतना सा काम करना है, घंटी बटन दबा दो, ऐसे मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोज लाता रहूंगा। लव यू एंड सी यू सून इन द बिग क्लैश ऑफ सुपर सक्सेस।